नमस्कार, मैं एक यादव बात करूँगा आपका CPS FCPS के बारे में। तो बता दूँ, एक बड़ी अच्छी खुशखबरी शायद देखने को मिल जाएगी आपको जल्दी। CPS और FCPS के लिए जो वैकेंट सीट्स बची हैं अभी फ़िलहाल 157 सीट्स बची हैं आपकी CPS मुंबई में और 47 सीट्स अप्रॉक्स आपकी बची हैं गुजरात में CPS FCPS की। तो बता दूँ ये पूरा मैटर क्या है और चीज़ें क्या हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल, क्योंकि मैं एक या दो हमेशा लाता रहता हूँ नीट PG और नीट UG एस्पिरेंट्स के लिए नई और ताज़ा खबरें। मैं बता दूँ साथ ही साथ आपको कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे वीडियोस इन फ्यूचर लाता रहूँ और आपको हम आपको अच्छा इन फ्यूचर में प्रोवाइड करता रहूँ इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। उससे मोटिवेशन मिलती है आगे इन फ्यूचर में आपके लिए दिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं क्या अगर बताऊंगा आपको पूरा मैटर क्या है इस बारे में, फी स्ट्रक्चर और जान लेते हैं। एक बार आपको सुना देता हूँ, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का है, इंडियन एंड प्राइवेट कॉलेजेस साइंटिस्ट मेडिकल काउंसलिंग लेटर है ऑल द डीम यूनिवर्सिटीज। सब्जेक्ट क्या लाया है उसमें, गाइडलाइन क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया डिटरमिनेशन ऑफ फीस एंड ऑल टू सुपर स्पेशलिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ 50% ऑफ द सीट्स इन प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड डीम टू बी रिगार्डिंग गाइडलाइन फॉर डिटर्मिनेशन लास्ट वीक ऑफ फीस एंड ऑल अदर चार्जेस खाली एस्पेक्ट ऑफ 50% ऑफ द सीट्स इन प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज गवर्न अंडर एनएमसी एक्ट 2019 है। ऑफ दीज आर के डॉक्टर आशीष कुमार नेशनल मेडिकल पांडा ने लिखा है, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी हैं एनएमसी में। इन्होंने डीम कॉलेजेस को ये लेटर लिखा है और उनसे रिक्वेस्ट करी कि अपनी फीस जो है उनको बताकर डिटरमिनाइज जो कमिटी बना रही है वो उसके रिगार्डिंग को इम्प्लीमेंट कराए। ये है टोटल इन्फॉर्मेशन इन नीट PG। इन इट्स लेटर CPS ऑफ मुंबई सेट 157 सीट्स इन महाराष्ट्र एंड 47 सीट्स इन गुजरात इन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आर वैकेंट। In view of this, CPS requested you to reduce the eligibility criteria for diploma courses, as some have not been eligible despite repeatedly given NEET PG. President CPS of Mumbai, Girish, said these students have cleared MBBS and have been granted by universities. Not many can cope with multiple choice questions format in NEET PG. He said admission that many CPS qualified doctors work in professional healthcare facilities and help boost the state's health index. The government officials said the relaxation is not for broad specialists. PG relaxation cannot be only for a section of PG students and other admissions have closed in May. जैसा कि मैंने आपको पढ़ के सुना दिया कि इवन CPS ऑफ मुंबई के पास 15% सीटें 15% सीट्स अभी वैकेंट है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री और इवन MCC से कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लीज़ कम कर दें ताकि हम अपनी जो वैकेंट सीट्स हैं आपकी अप्रॉक्स 157 CPS मुंबई में महाराष्ट्र में और आपकी 47 सीट्स जो हैं गुजरात में खाली हैं उस पर वो अपनी सीटें भर सके, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है CPS का और MD, MS, DNB का सबका 50% जो आपका नीट PG में आता है उस पर कर दिया गया, जो कि एक गलत तरीका है। क्यों? अगर आप CPS को रूल करना चाह रहे हैं तो उसको फिर आपको सेंट्रल काउंसिल में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो कि नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि CPS और जो CPS आपका मुंबई है वो आपका एक स्टेट गवर्निंग बॉडी है, जो वो सेंटर में नहीं आ सकता है तो वो खुद उसको परमिशन होनी चाहिए कि वो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम कर सके। ये एक गलत तरीका है MCC का और मैं कहूँ
उसको क्राइटेरिया को कम करना बहुत ज़रूरी है ताकि 157 सीट्स हैं आपकी महाराष्ट्र में वो भर सकें, क्योंकि एक एक सीट की वैल्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि डॉक्टर हमें सीख करता है, कॉल करता है, सर क्या हुआ CPS का, क्या हुआ FCPS का। तो उन एस्पिरेंट्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है खासकर कि रिवाइज कट ऑफ आएगी, 110% आएगी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी शायद आपको कोई पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स के लिए अगर आप क्राइटेरिया पूरा ख़त्म कर दे रहे हैं तो आप PG स्टूडेंट्स के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? ये एक डिस्कसिंग मुद्दा है, मतलब काफ़ी मुद्दे पे अगर बात की जाए तो काफ़ी बहस हो सकती है इस मुद्दे पे। लेकिन फ़िलहाल अभी शायद आपको CPS और FCPS की कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एक वीक में आपको शायद ये क्लियर भी हो जाएगा कि CA रिवाइज कट ऑफ करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर CPS मुंबई है वो क्या करेगी आगे फ्यूचर जो वैकेंट सीट्स पर। तो इस वीडियो में मेरे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में आपको सब मिलूँगा मैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नई चीज़ों का। तब तक के लिए धन्यवाद।